हाँ भाई स्वागत है। आज हमारा 75 का 68वां दिन सोएगा। वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। कैसे हमसे लोग आज मैं सोचता तो कुछ नए तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कर दिया है। अभी हमारे दिल्ली वाले भैया आ चुके हैं, बाहर बाहर कार भी खड़ी हुई है। और वो देखिए, हमने इन्वर्टर ले लिया है सुबह सुबह ही, नया एकदम ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब तो लाइट की कोई टेंशन ही नहीं, हमने इन्वर्टर खरीद लिया। अभी बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। पहले अंदर देखते हैं, अंदर मम्मी क्या कर रही है। रसोई में बन रहा है गोश्त, क्योंकि हमारे रिश्तेदार आ रखे हैं तो उन्हीं के लिए गोश्त बन रहा है। अभी हम बाहर देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो गाइस अभी मैं आता हूँ बाहर, और ये देखिए खड़ी हुई है उनकी कार। इसी में आए थे वो भैया। क्या कर रहे हो खोल कर? और हमारे घर पे इन्वर्टर लग रहा है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ इन्वर्टर। तो सारे बोर्ड खुले डले हैं, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से एकदम ये भी खुला हुआ है, और मैं अंदर का भी दिखाता हूँ। ये देखिए गैलरी वाला भी खुला हुआ है बोर्ड। अरे अरे क्या हो गया, ये देखिए ये भी बोर्ड खुला हुआ है, सारे बोर्ड खुले हुए हैं। जल्दी से इन्वर्टर लग जाएगा, फिर तो मजे ही मजे। हमको तो लाइट की कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर तो एकदम मजा आ जाएगा, मजे ही मजे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी वायरिंग हो रही है कुछ, तो भी तो है गाइस। अभी हम जा रहे हैं मानिकपुर लेने के लिए, मैं धमधम हाउस और भैया दिख रहे हैं। आप तो कभी गए नहीं होंगे है ना? क्या दो आप तो कभी गए नहीं होंगे भाई। अब थोड़े पीछे यार, मैं कान पे दिखेगी। तो फाइनली गाइस हम सॉल्ट पेपर तो ले लिए हैं, बहुत ही महंगे भी हैं हमारे। हम सोच रहे थे 50-60 रुपए के आ जाएंगे, ये तो 90 रुपए के आए हैं। इनको डालते हैं इसमें। अरे 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 और क्या हो गया। और अभी निकलते हैं खाद लेने के लिए, खाद लेके आ रहे हैं। तो भैया चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं खाद लेना शुरू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं बिरयानी वाली की दुकान पर। ये भी पीछे हमारी प्लेट तैयार हो रही है, तब तक हमें ऐसे ही बैठ गए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी आते हैं थोड़ी देर में, फिर हम आप यार लाइट कमेंट फिर हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बैठे हुए हैं आप तो यहाँ कभी बैठे नहीं होंगे। हम पैंट में बैठे हुए हैं, अभी पैंट के किनारे पर अभी आ रही है। दिखाते हैं नीचे, और यहाँ पर हमारा भी आ चुका है। तो फाइनली गाइस बिरयानी खाकर तो भी हम आ चुके हैं, और सत्यम भैया को भी उठा लिया है। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो सो भैया इन ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी, तो अभी जल्दी से निकलता है घर की तरफ, फिर मिलता है आपको घर पर। बाय। अभी अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ ऐसे ही, और इधर कूटी कट रही है, तो पूरे में दूरी दूर रखी है। और ये देखिए ये जो लड़का है, हमारी सारी वीडियो को लाइक करता है, सारी वीडियो देखता है, लाइक भी करता है। ये हमारे इधर पड़ोस का ही है, कहीं जयपुर रहता है, इसलिए हमारी सारी वीडियो देखता भी है, लाइक भी करता है। तो ये बोला था ब्लॉग बना लीजिए, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। लाइक के लिए बोल दो एक बार, लाइक करो नहीं। और ये देखिए यहाँ पर ये कार धो रहे हैं। सो गाइस आज अभी हम धो रहे हैं साइकिल अपनी, और ये देखिए कार धो रहे हैं वहाँ पर, ये कार धो रहे थे, इसलिए हमने सोचा हम भी अपनी साइकिल एकदम नया बना लेते हैं। साइकिल दिखा बस। सो भाई अभी हम साइकिल धो रहे थे, अभी वो ब्रश लेने गए हैं, अभी आ रहे हैं ब्रश लेके।
से आ गए। देखिए कितना गंदा हो रखा है, एकदम नया बना दूंगा आज। कभी कभार धुलती है, अब ये मुझे दिखाना है। अब ये सीधा गर्मियों में धुलेगी, अपनी धुलेगी। आगे देखिए कार में भैया ने एकदम नई बना दी है कार दिखा। कल हम चले गए थे शादी में, तो रात को गए थे, तो हमने वहाँ पे ज्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम रात को गए थे, तो जल्दी जल्दी में शूट नहीं कर पाए ज्यादा कुछ। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने थोड़ी बहुत वीडियो तो देख ही ली होंगी वहाँ की। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।